बुल कैसे ढूंढे। बात अगर बुल को ढूंढने तक पहुंच जाती है तो इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि जो ककुल्ड की बिल्लो रानी है, जो उसकी क्वीन है, वो राजी हो चुकी है कुकल्डिंग एक्ट के लिए। किसी दूसरे आदमी से बेड शेयर करने के लिए वो एग्री हो चुकी है। तभी तो बुल को ढूंढने की बात चल रही है। लेकिन बुल को ढूंढना अपने मनपसंद खिलौने को ढूंढने जैसा आसान काम भी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा होता है दो लोगों का, उन हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेसी, उनकी इज्जत, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर बुल को ढूंढना आसान काम नहीं तो मुश्किल भी नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने दिमाग का भरपूर यूज करते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, थोड़ा सा शार्प माइंडेड हैं। अब जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि बुल को कैसे ढूंढे, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई फैक्ट्री खोल रखी है और वहां बुल प्रोड्यूस होते हैं और मैं आपको नंबर दे दूंगी कि भाई जो समझ में आ रहा है सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है, बुल तो आपको उसी भीड़ में मिलेंगे जहां पर बाकी लोग झंडा लेकर हाथ में खड़े रहते हैं कि आई एम बुल, आई एम बुल। लेकिन ढूंढना आपको पड़ेगा। सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऐप है, लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यही सोर्स है जहां से आप इन बुल को उठाओगे आपके मतलब के। ऐसा कोई अलग से कोई बाजार नहीं लगता है, कोई मार्केट नहीं है इनके, कि ये जेन्युइन बुल की मार्केट है और ये फेक बुल की मार्केट है। सोर्सेस तो यही है, तलाशना आपको पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने और अपने वाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको क्या चाहिए बुल से, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि वो एजुकेटेड हो, डिसेंट हो, रिलायबल हो, प्राइवेसी मेंटेन कर सकता हो, आपके सोशल स्टेटस को मैच कर सके। इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट आपने तैयार कर ली। फिर आप जितने भी बुल हैं उनके प्रोफाइल को विजिट कीजिए और देखिए क्या चीजें आपको समझ में आ रही है। जो जो प्रोफाइल आपको समझ में आती है, मान लो आपने 40 प्रोफाइल को विजिट किया तो उसमें से 10 की छटनी कर लीजिए। फिर एक एक करके उन 10 लोगों से बात करना शुरू कीजिए चैट पे। वहां से भी देखना छटकर निकलकर सामने आएंगे जो आपको सूट करेंगे। जब आप अपने आइडियाज आदान प्रदान करोगे, अपनी सोच विचार एक दूसरे से समझोगे तो उनमें से भी छटनी निकलकर कुछ 5 या 6 आपके हाथ में आएंगे कि हाँ इनसे अब हमें वॉइस कॉल पे बात करनी है। और जब आप वॉइस कॉल करोगे तब भी आप देखोगे कि आपने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, 2 ही रह गए हैं। फिर उनसे जो 2 आपने सिलेक्ट करे, आगे आप उनसे पब्लिक प्लेस में मीटिंग करने की सोच सकते हो। होदा पहाड़ निकली चुईया वाला सीन आपके साथ ना हो तो इसके लिए आप पहले ही फिजिकल लेवल पर आपको जो चीजें उससे चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो दिखने में कैसा है, लुक वाइज कैसा है और उसका प्राइवेट पार्ट का साइज कैसा है, क्लासी है या नहीं, आपसे 2 चंदा फालतू है या नहीं, तो उस चीज की आप पिक्चर जरूर मंगा लीजिए, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा ना। आपको दोनों चीजें देखनी है, आपको फिजिकल लेवल पर भी चीजें देखनी है क्योंकि काम तो वही होना है, और आपको जो मेंटल लेवल पर जो आपको पर्सन चाहिए वो भी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है कि मेंटली वो आपको सूट करता और फिजिकल लेवल पर भी आपको चीजें सूट करती हूँ। तभी पब्लिक प्लेस पे मीटिंग करने के लिए डिसाइड कीजिए। 2-3 कैजुअल मीटिंग आप घर के बाहर ही कीजिए। एक फ्रेंडशिप, एक बोन डेवलप होने दीजिए। वाइफ को भी उसके साथ कंफर्टेबल महसूस होने दीजिए, क्योंकि गेम तो उन दोनों के बीच में ही होना है ना, तो आपकी वाइफ का और बुल का एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत दिखाइए कि हाँ फोन पर चीजें समझ में आ गई, घर में इन्विटेशन दे दिए कि कूद जाओ मेरी वाइफ के साथ बेड पे। पता लग रहा है दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हस्बैंड जो है कुर्सी पे अलग बैठ गया हिलाने के लिए कि कब मेरी वाइफ एक्साइट होगी और कब मैं हिलाना शुरू करूं, और जो वाइफ है वो हैरान और परेशान हो रही है, कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही है उसके साथ। तो जल्दबाजी मत कीजिए, इससे जो बुल है उसके ऊपर भी इंप्रेशन आपका खराब पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये तो आपकी फैंटेसी हो, आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो कि मुझे बुल मिल गया, मुझे बुल मिल गया, लेकिन इस बुल के दिमाग में यही चीज आएगी, लगता है इससे कुछ होता ही नहीं, पता नहीं कितने महीनों से अपनी वाइफ के साथ इसने कुछ किया ही नहीं है, जो इतनी जल्दबाजी रही इसको कि फोन पे मिलते इन्वाइट कर लिया मुझे, इसकी वाइफ ने जरूर डंडा कर रखा होगा इसे। तो अपनी इंपॉर्टेंस भी, अपनी वैल्यू भी क्रिएट करना सीखी उसके सामने,
कि भाई ठीक है तेरे को बुलाया है सर्विस देने के लिए, वो चीज होनी चाहिए आपकी साइड से भी। तो इसलिए बेड पर जाने की जल्दी मत कीजिए, वो तो जब चीजें होंगी तो होंगी, फिर रुकने वाली कहां है। लेकिन उससे पहले एक बॉन्ड, एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, उसको भी समझिए समझिए, क्योंकि फोन पे बात करने एक अलग चीज होती है, लेकिन इंसान को फेस टू फेस देखना, उसका व्यवहार देखना एक अलग चीज है। बेड पर जाने से पहले आप जो कैजुअल मीटिंग करोगे उसमें अपने पॉइंट्स भी डिस्कस कीजिए कि आप और आपकी वाइफ उस बुल से क्या चाहते हैं, आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपके रिलेशनशिप की जो आप तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसकी लिमिटेशन क्या होगी, बाउंड्रीज क्या होंगी। सेम चीज जो बुल है वो भी अपनी रखे। अगर बुल किसी चीजों में कंफर्टेबल नहीं है या उसे लगता है कि नहीं ये चीजें उसके लिए ज्यादा हो जाएंगी, तो वो भी अपना पक्ष रखे, क्योंकि जेन्युइन पर्सन की भी अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो बुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपना कोई वजूद नहीं है। बुल है वो, कुत्ता नहीं है, तो उसके भी अपने कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, उसके कुछ कम्फर्ट जोन होगा, तो वो भी उससे पूछिए। एक वो फेक बुल होते हैं जो हर चीज के लिए रेडी हो जाते हैं, सेक्स क्रेवर्स होते हैं वो। कोई बुल आपके सामने अपनी लिमिटेशन, अपने रूल्स भी बताएगा तो लगेगा कि आपको कि हाँ ही इस जेन्युइन के, इसको भी अपनी प्राइवेसी की भी चिंता है। तो जब आपको लगे कि ये जो बुल है ये मेरे सारे क्राइटेरिया पे खरा उतर रहा है, मेरी सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है, तब आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। ये बुल को ढूंढने की जर्नी में आपको कुछ एक बातों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपका काम आसान हो सके। नंबर वन, कि बुल के नाम पर सोशल साइट पे सेक्स क्रेवर की भीड़ लगी हुई है, जिनका एक ही तरह का माइंडसेट होता है कि यार ढीलू सा आदमी होगा, अपने वाइफ के साथ कुछ कर नहीं पाता होगा, हमें जाके उसे पेलना है। ऐसे लोग खुद से बिछने के लिए तैयार रहते हैं, फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे मुट्ठी मारोगे ना तो झुंड निकल कर आएगा हाथ में। तो ऐसे लोगों से बचे, शार्प माइंडेड बने। दूसरी चीज, हमेशा प्रोफेशनल बिल्कुल ढूंढिए, ये अपने वैल्यू भी जानते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट भी देना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात ये पेड सर्विसेज देते हैं, ये अपने टाइम की कीमत भी जानते हैं, फ्री में कुछ अवेलेबल नहीं कराते, उन्हें पता है कि आप उसे किस चीज के लिए बुला रहे हो, तो उसकी कीमत है, ऐसे उठकर कोई नहीं आ जाएगा आपके लिए। तीसरी चीज, ब्रोकर और दलालों से बचे। बुल को ढूंढने में मेडिएटर का तो बिल्कुल भी सहारा ना ले, अपने बेसिस पर ही बुल को ढूंढे, अपने एफर्ट लगाएं। अब एक और चीज, बुल एक जान पहचान वाला भी हो सकता है और कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपके नोन में नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी ट्विनिंग के ऊपर, आप किसके साथ बेहतर कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे अगर आपको कोई जान पहचान में समझ में आता है, देन गो फॉर इट, अगर वो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकता है। और अगर आपको इस तरह से चीजें नहीं करनी है तो आप बाहर किसी स्ट्रेंजर को हायर कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जिसको भी करे ये ध्यान रखिए कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी मेंटेन कर सके। बुल को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा स्किल्ड होने की जरूरत है, शार्प माइंडेड होने की जरूरत है। सोशल मीडिया के टाइम पे कुछ मुश्किल नहीं है, किसी को ढूंढना बहुत आसान है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए इन्हें आप फॉलो करोगे और सही बुल तक पहुंच जाओगे।